Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव, आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, बात करें तो बहुजन समाज पार्टी के मऊ के विधायक मुख्तार अंसारी हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और वजह यह है कि उनको डॉन तक बुलाया जाता है, बाहुबली कहा जाता है, लेकिन फिर भी वो विधायक बने हुए हैं और कई मामलों में जो है वो गंभीर धाराएं लगी हुई है, जिसके बाद जो है वो कोर्ट का चक्कर काट रहे हैं और जेल में बैठकर उसकी सजा भी काट रहे हैं। बात करें तो कुछ दिन पहले जिस तरीके से पंजाब के रोपड़ जेल में मुख्तार अंसारी बंद थे, तो उत्तर प्रदेश सरकार तमाम कोशिशों के बाद भी योगी सरकार जो है मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी नहीं ला पाई थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद जिस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि पंजाब की जो रोपड़ पुलिस है वो मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस के हाथ जो है कहीं ना कहीं दे दे, जिसके बाद उसे यूपी शिफ्ट किया जाए और यूपी में शिफ्ट किए जाने के बाद जो भी उस पे मुकदमे दर्ज हैं उसकी जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए, ताकि इसके जो भी केस करने वाले लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी न्याय मिल जाए। जिसके बाद से लगातार चर्चा होने लगी कि गाड़ी पलट जाएगी, इनकाउंटर कर दिया जाएगा, लेकिन यूपी की जो बांदा पुलिस थी, यूपी जो पुलिस थी, एसटीएफ की जो पुलिस थी, वो मुख्तार अंसारी को सुरक्षित जो है बांदा जेल में लाकर रख दिया और बांदा जेल में रखने के बाद लगातार जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्तार अंसारी की अलग अलग मामलों में पेशी भी हो रही है। कुछ मामलों में उन्हें राहत भी मिली है, कुछ मामलों में उन्हें जमानत भी मिली है, लेकिन मुकदमा इतना ज्यादा है कि जमानत मिलने के बाद फिर भी जेल की सजा जो है वो काटनी पड़ रही है। वहीं बात करें तो जिस तरीके से बांदा जेल में जब मुख्तार अंसारी आए हैं तो उनके हेल्थ को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर, उनके रहन सहन को लेकर काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसा उनके वकील और उनके द्वारा ही खुद जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पेशी के दौरान जो है बात कही थी कि उन्हें मच्छर काटते हैं, उनको सोने के लिए कूलर चाहिए, बेड चाहिए, तख्त चाहिए, इस प्रकार की तमाम चीजों की वो डिमांड किए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्तार अंसारी को जेल में कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऊपर से कई सारे मुकदमों में उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने स्टेटमेंट को दर्ज भी करना पड़ रहा है, लेकिन ये चीजें तो चलती रहती थी। पंजाब में भी थे तो हालांकि सुविधाएं उनको बेहतर दी गई थी, लेकिन यूपी में थोड़ा सा कम मिल रहा है। लेकिन उनकी और भी मुश्किलें तब बढ़ गई थी जब वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उस बांदा जेल में कई सारे कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और मुख्तार अंसारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद जो है लगातार खबर वायरल हुई, लगातार लोगों का कहना था कि अब कोरोना के काल में भी मुख्तार अंसारी को सरकार जो है वो समवा देगी कि क्योंकि उसको बेहतर इलाज नहीं देगी और तमाम चीजें जो है जिस तरीके से शहाबुद्दीन को लेकर, आजम खान को लेकर बात हो रही थी, वैसा ही जो चीजें थी वो कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी को भी लेकर बात हो रही थी। लेकिन ईद से पहले उनके जो फैंस हैं, उनके जो चाहने वाले, उनके जो समर्थक हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है और बड़ी खुशखबरी ये है कि मुख्तार अंसारी भले ही जेल में बंद हैं, लेकिन उनका जो कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट था वो अब नेगेटिव हो चुका है, यानी कि जेल में बैठे मुख्तार अंसारी ने कोरोना से जंग जीत ली है और कोरोना को जेल में बंद ही उन्होंने हरा दिया है। जबकि ये गंभीर बीमारी है कोरोना, जिसको हो जा रहा है वो टेंशन से मर जा रहा है, कई लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, कई लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मुख्तार अंसारी को इतने टेंशन के बाद, इतने मामलों के बाद जिस तरीके से उनको रखा गया था और उसके बावजूद भी अगर इस जंग को जीत गए हैं तो उनके समर्थकों के लिए, उनके परिवारजनों के लिए और खुद उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो मुझे लगा कि ये अपडेट था, अपडेट आप सभी के बीच शेयर करनी चाहिए। तो अपडेट कैसी लगी कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़े। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाइए, पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़े, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.